छोटी और ऊंची रखते हो। तो आप क्या मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगे? जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप सब? होप करता हूँ सब बढ़िया होंगे, आगे बढ़िए ना। सो गाइस, आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि सॉरी यार लेट व्लॉग आ पा रहे थे क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं था अच्छा। तो मैंने अभी परसों ही नया फ़ोन परचेस किया है, पोको M6 Pro। मेरे ना व्लॉग कभी एक महीना कभी दो महीना में आते थे क्योंकि मेरे पास अच्छा फ़ोन नहीं था। मैं अपने फ्रेंड के फ़ोन से व्लॉग बनाया करता था क्योंकि मेरे अंदर जुनून था व्लॉग बनाने का, तो अपने फ्रेंड के फ़ोन से बनाया करता था। तो अब मेरा बेस्ट फ्रेंड मैं आपको दिखा दूंगा बाद में। अब मैं कोशिश करूंगा कि डेली व्लॉग आ पाए। और आज है 5th September, टीचर्स डे। आज ये व्लॉग उसी के रिलेटेड होने वाला है। और आप सबसे सॉरी, हाँ अब मैं पूरा जोर लगा दूंगा डेली व्लॉग डालने में, चाहे कुछ भी दिखाऊँ पर दिखाऊँगा। मॉर्निंग वॉक करने आता हूँ, एक्सरसाइज। कुछ इस तरह का व्यू है हमारे फुल का, ये चेक कर सकते हैं। मैं आपको थोड़े बहुत क्लिप्स डाल दूंगा जो मैंने एक्सरसाइज की है, और बाकी तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी है ना अपनी फिटनेस के लिए। अब मैं घर जाऊंगा, तैयार होऊंगा, देन चलो चलते हैं। स्कूल लाइफ व्लॉग भी बनाऊंगा क्योंकि स्कूल पर है, मैं अपनी फ्रेंड्स वगैरह सबसे आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। तो आगे व्लॉग में बने रहना। तो गाइस मैं रेडी हो गया हूँ, कुछ इस तरह का मेरा आउटफिट है, अच्छे से तैयार नहीं हो पाया। अब चलते हैं, फाइनली दोस्त आता है मेरा, फिर चलते हैं स्कूल को। गाइस फाइनली भाई आ चुका है, देखो कैसे अभी भी तैयार नहीं हुआ है। मुझे बोल दिया था मुझे क्या बोला पता इसने, कि जल्दी आ जा, मैं रास्ते पे खड़ा हूँ। और मुझे इसके घर पे जाना पड़ा इसको लेने के लिए, चीखना लग रहा है देखो। अरे अरे दिखा तो नहीं होता, देखो देखो स्कूल लाइफ, ये लाइफ भाई। एक साल बाद देखने को मिलेगी ड्रेस, नहीं पहन पाएंगे यार। तो आज फुल इन्जॉय करेंगे फुल। और भाई यही है वो भाई जिसके फ़ोन से मैं ब्लॉग बना रहा था, तो स्पेशली थैंक यू, इसने मेरा बहुत साथ देता है, बहुत ज़्यादा। ये मेरा बहुत साथ देता है भाई, है हद से ज़्यादा। मतलब मेरे पास फ़ोन नहीं था, फिर भी अपने फ़ोन से ब्लॉग बना दी, एडिटिंग करने के लिए दिया, फिर देन अपलोड किया। मेरे चैनल पर जितने भी ब्लॉग्स हैं ना, सबके सब इसी के फ़ोन से हैं, सबके सब। ये पहला ब्लॉग होगा जो मैं अपने फ़ोन से खुद एडिट करके डालूंगा, तो भाई थैंक यू। हाँ चलो, हैप्पी टीचर्स डे सबको। और कमेंट में जरूर लिख देना, प्लीज़ शेयर कर देना यार। और आई एम सॉरी, अब मैं रोज़ डेली भाई डेली व्लॉग कर लिया है मैंने। अब फुल बकचोदी दिखाएंगे स्कूल लाइफ की, डेली व्लॉग भाई फुल डेली। मैं पूरी कोशिश कर दूंगा यार, चाहे 5-10 मिनट के आए तो आए, मैं पूरी डालूंगा ही डालूंगा। चलो अब मिलते हैं आप भाई। ये देखो क्या व्यू है भाई, एक नंबर। ये वही जगह है मैंने सुबह वाली क्लिप में दिखाई थी आपको, मॉर्निंग वॉक जहाँ पे मैं करने आया था। देखो भाई, या भाई कुछ आ रही है, देखो क्या मस्त सीन लग रहा है ना यार भाई, दिल आ जाता है ऐसे व्यू पे। और सावल दिन में ऐसे बहुत कुछ है देखने को ऐसा। चलो बिना देरी करके, अब हमें लेट हो चुकी है बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है। अब चलते हैं फाइनली स्कूल को और सेलिब्रेशन करते हैं। फूल है गुलाब का, नशा है शराब का, एक तो काट के चले गई, अब क्या ख्याल है आपका? कुछ नहीं है बताओ बताओ क्या ख्याल है। गाइस फाइनली स्कूल पहुंचने वाले हैं। सो गाइस फाइनली स्कूल पहुंच चुके हैं हम। गाइस मैं फाइनली स्कूल पे आ चुका हूं, तो मैं अभी 12 सनसेट पर आया हूं क्योंकि मेरी क्लास में कैमरे में हमने ना सर का सेलिब्रेशन कर दिया है भाई। बच्चे ना, कुछ बच्चे होते हैं ना बिगड़े, उन्होंने पूरा सेलिब्रेशन ख़राब कर दिया यार, पूरा ना ऐसे की तैसे करी सेलिब्रेशन। यहाँ पर मतलब स्कूल में कैमरे लगे हैं ना, तो बहुत तो परमिशन नहीं होती ना इसीलिए। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ ना, आप वीडियो में एंड तक बने रहना, तो यही मेरा आपसे गुजारिश। बाकी मैं आपको बीच बीच में कुछ सीन दिखाता रहूँगा जो मुझसे पॉसिबल हो पाएंगे, या तो मैं आपको सीधे इंटरवल पर लेके जाऊँगा। सो गाइस यहाँ पर ना सेलिब्रेशन चल रहा है सर लोगों का, देखो सबके सब यहाँ पे पूरी सेलिब्रेशन चल रहा है भाई। कैमरे में छुप कर कर रहा हूँ इस समय, तो यहाँ पे फोटो शूट चल रहा है सर लोगों का, सब देख सकते हो यहाँ पर। सो गाइस फाइनली दो टीचरों का सेलिब्रेशन हो चुका है, तो मैं कोने पे आया पड़ा हूँ लड़कियों को ठीक बीच में। देखो ये अपनी क्लास है, यहाँ पे सेलिब्रेशन चल रहा है भाई, पूरी भसड़ मच रखी है, भसड़ क्या बोलते हो, भसड़ मच रखी पूरी भाई देखो। सो
गाइस फिलहाल मैं 12th क्लास में आ चुका हूँ। तो ये कुछ क्यूट लड़कियों के लिए, सांसों की महक हो या चेहरे का नूर, सांसों की महक हो या चेहरे का नूर, जब प्यार है आपसे उसमें मेरे क्या कसूर। देखो ये क्लासमेट मेरी पूरी हेल्प कर रही है, एक नंबर हो रहा है। तो आप क्या मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगे? यार यू ना दिल तोड़ा पे फुल एंजॉय किया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हो कैसी महफिल जमी है, बड़ी बड़ी महफिल है। देखो यहाँ पे फोटो शूट चल रहा है, स्कूल लाइफ ब्रेक। यहाँ पे लंच तो कोई खरीद नहीं रहा, सारा सब घूमने में लगे पड़े यार सबके सब। देखो ये एक क्यूट लड़की, हाय गाइस को क्या बोलेगी तू? हम लोग कुछ नहीं खाया था अभी। हाँ क्या बोल? हाँ दे दे मुझे याद है इतना सा। रैंडम कॉल करने वाले हैं, बकचोदी करने वाले। भाई क्या करेगा? रैंडम कॉल करके आ गए हम, बकचोदी करने वाले हैं। अब देखो क्या होता है, सब कॉल करना है भाई। रैंडम भाई ये प्रैंक कैसे जाएगा ये बता। बढ़िया जाएगा, एक नंबर। तू बता ले प्रैंक क्या बोलेगा तू उसको? क्या बोलेगा भाई? देखते हैं कुछ भी यार, रैंडम कॉल करते हैं। सो गाइस रैंडम कॉल लग चुकी है। नमस्कार सर हम केबीसी से बात कर रहे हैं। सर आपने आपके नंबर पर एक लॉटरी लगी अप्लाई हुआ था, आप केबीसी में आना चाहेंगे? अरे केबीसी पढ़ी कभी? गए स्कूल कभी? स्कूल गए हो आप? केबीसी कौन मारेगा तेरी मार? अरे चाहिए कुछ नहीं सर, हम आपसे 3% पूछेंगे। अगर आपने इनका स्किप कर दिया तो आपको पैसे मिलेंगे 3 करोड़ रुपए, 7,035 लाख रुपए। बात कर रहे हैं। हेलो, अरे केवीसी से हम बात कर रहे हैं, हमसे आपसे बात करनी है। हाँ पहले आप मेरी बात सुनिए, लप्पू सी आप हो बोल रहे हमसे आना रिया, तो केबीसी खेला गया? क्या बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। अरे लप्पू सी आपकी शकल है, केबीसी खेला गया, बात करने आना फोन काट। So guys, third नंबर। आप कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में आप? हेलो नमस्कार सर, सर हम केबीसी से बात कर रहे हैं। केबीसी से बात कर रहे हैं सर हम। सर हम आपका मतलब जो नाम है या अप्लाई हुआ है केबीसी में, तो आप केबीसी में आना चाहेंगे? अरे सर कुछ नहीं, आपको पता है आने के तक पैसे मिलते हैं, बाकी आप खेलो नहीं खेलो आपकी मर्जी है। केबीसी सर हम अगर अभी आपसे फॉर्म में 2 क्वेश्चन पूछेंगे, अगर उनके सही आंसर देते हैं तो आपकी मर्जी, आप आना चाहो या ना आना चाहो। सर ये जो अमेरिका का राष्ट्रपति है इसकी अभी एज कितनी होगी? सर तुझे क्या पता? स्कूल जा भाई, जिससे क्या किया। हाँ यार ये बात है चौधरी आ केबीसी से। सर आप आना चाहेंगे केबीसी में?
दैट इज मुंबई केबीसी इन क्लास इन माय फर्स्ट लूजर लोकेशन। सर हम आपसे ये कह रहे हैं अगर आप केबीसी में आना चाहते हो तो आपको हमें 3 क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा अभी ऑनलाइन फोन पर। तो सर पूछ सकते हैं हम आपसे क्वेश्चन? सर वियतनाम कंट्री सुनिए, देश वियतनाम, वियतनाम चलो छोड़ो हटाओ। बांग्लादेश तो सुना होगा, बांग्लादेश तो वहाँ की अभी आर्थिक स्थिति क्या है ये बता दीजिए, बता दीजिए। अच्छा वहाँ की आर्थिक स्थिति बतानी है, भले आप कैसे भी कर लो, गूगल कर लो, कुछ भी कर लो, हमें बता दीजिए। सर अगर आप क्वेश्चन चेंज करवाना चाहते हैं तो चेंज भी हो जाएगा, 3 क्वेश्चन चेंज होते हैं। हाँ बताइए, जल्दी बताइए सर, तब तक हम कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ लें आपसे। ऐसे है योगा जी, हाँ हाँ सर एक मिनट, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ बांग्लादेश की बताइए सर, सामाजिक गुड सर, गुड सर, यू आर राइट सर। सर अब आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी सर, जो भारत की इस टाइम में जनसंख्या है वो कितनी है? हेलो हेलो, नमस्कार सर, सर हम BCI से बात कर रहे हैं। सर BCI क्रिकेट वर्ल्ड टूर्नामेंट इन इंडिया, सर जो कल नेपाल इंडिया से हारी है, इंडिया जीती मतलब 10 विकेट से, तो उसमें 13 ओवर की 5वीं बॉल पे क्या हुआ था सर? सुनाया नहीं आ रहा, चांद मेरी डाल लेगी क्या, इतनी बार होना आता हूँ जल। तो गाइस फाइनली छुट्टी हो गई थी तो बहुत मज़ा आया आज। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ इसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना।